আমি যেহেতু আয়ুষ মন্ত্রণালয়ৰ কেউটা বিভাগ সন্দৰ্ভত কথা বতৰা পাতি আছো আৰু আজি আমাৰ হৈতে যেহেতু উপস্থিত আছে ভাৰতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ বৈদ্য জয়ন দেউ পূজাৰী ডাঙৰিয়া, মই তেখেতক স্বাগতম জনাইছো। আপোনাক স্বাগত হে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম মে। সবসে পহলে তো হাম ইয়ে জাননা চাহেঙ্গে কি হাম ক্যুকি অলগ অলগ সেগমেন্টস কে বারে মে বাতচিত হুয়া হে, তো তো ইন্ডিয়ান মেডিসিনস কে উপর আভি জো ন্যাশনাল কমিশন বনা হে, আপ ক্যুকি ইসকে অধ্যক্ষ হে, তো ক্যা অহমিয়ত রহেগা ইস কমিশন কা? সবই জিতনে ভি পুরানে অ্যাক্টস থে বো সরকার নে ইস সরকার নে বদলে, অর আভি সব 2019 2020 2021 মে তিনো অলগ অলগ কমিশনো কা নির্মাণ কিয়া হে। इसका मूल उद्देश्य यह था कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमारे युवा फेस करने वाले हैं इस क्षेत्र के, वह उसके अनुकूल हमारी शिक्षा हो, उसके अनुकूल हमारा ट्रेनिंग हो, उसके अनुकूल हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से इसका परिवर्तन किया गया और उसके आधार पर अभी अन्य सभी चीज़ें जो है वो बदलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, अभी ये मैंडेट है एजुकेशन मिनिस्ट्री का और हमारा भी कि हम आपस में तालमेल बनाकर काम करें। जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके अनुकूल हमारी शिक्षा हो। हमको 2030 के लिए हमारे युवाओं को अलग अलग क्षेत्र के तैयार करना है, तो इसलिए अभी कमीशन में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुकूल हमारी जो पॉलिसी है वह बनने जा रही है, करीब करीब बन चुकी है और उसी के आधार पर सिलेबस, उसी के आधार पर ट्रेनिंग, उसी के आधार पर अन्य चीज़ों की जो व्यवस्था है वो कमीशन में धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, तो ये जो कमीशन बनाया गया है इसमें होम्योपैथी सेगमेंट्स नहीं है फिलहाल? होम्योपैथी का अलग कमीशन अलग से है, तो इसमें आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है और सोवा रिग्पा है। तो इन सब में खास करके हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि सर्वानंद सोनोवाल जी आसाम से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वो अभी केंद्रीय मंत्री है आयुष मंत्रालय के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को मद्देनज़र क्या क्या यहाँ पे नया जो पॉलिसीज़ है, नए नए विधि यहाँ पे लागू किए जाएंगे आने वाले दिनों में? अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का ये इनिशिएटिव लिया है कि पहली बार विद्यार्थियों के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है जब वो फाइनल ईयर में है, ऐसा मेरे ख्याल से कम जगह होता है। हम लोग से फिर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही कैंपस इंटरव्यू होते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी विद्या शाखा में इस प्रकार का प्रयास हुआ होगा। तो हमारे मंत्री महोदय का इस प्रकार से जो दृष्टि है, उनकी दूरदृष्टि जो है, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसी को पूरे देश में लागू करना चाहिए। जब नॉर्थ ईस्ट का सवाल आता है तब सर्वसाधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा हल्का सा पिछड़ा, मैं बहुत पिछड़ा तो बोलता नहीं क्योंकि आजकल सभी मेन स्ट्रीम में करीब करीब पूरा देश आ गया है। तो यहाँ पर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में असम से लेकर मेघालय मणिपुर तक पूरा जो इलाका है वह नैसर्गिक संसाधनों से भरा पड़ा है, जैसे वनस्पतियाँ हैं, जैसे अन्य चीज़ें यहाँ पर जो आयुर्वेद के लिए अनुकूल औषधि है, यहाँ इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। अब इसका उपयोग कौन करने वाला है? जो आयुर्वेद जानता वही कर सकता है। अब इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या डेवलप होगी? कल्टीवेशन में कुछ अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती है क्योंकि औषधि वनस्पतियों का कल्टीवेशन ये आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए जानकार आदमी चाहिए, ये आदमी आयुर्वेद से आएगा। इसको फर्स्ट प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं उसको बाज़ार में मार्केट में लाने के लिए जो जिस व्यवस्था की ज़रूरत रहती है वहाँ कौन करेगा उसमें मदद? वो टेक्निकल नॉलेज किसके पास रहेगा? वो आयुर्वेद ग्रेजुएट के पास रहेगा। इसको जाके इंडस्ट्री में परिवर्तित करना है तो इसकी जानकारी किसको रहेगी? तो वो आयुर्वेद वाले को रहेगी। तो इस प्रकार इस फील्ड में बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ इस नैसर्गिक संसाधनों के तहत निश्चित रूप से निर्माण हो सकती है। आज हम जानते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना बड़ा है औषधि वनस्पतियों का। अब यदि वो स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड क्लास ये सब जब करना चाहते हैं हम, तो क्यों नहीं यहाँ का जो विद्यार्थी है, यहाँ का जो आयुष का ग्रेजुएट है, वो इसमें इनिशिएटिव ले? इस प्रकार का विचार जो है वह मंत्री महोदय ने रखा है और उसके अनुसार यहाँ जो एक्टिविटीज़ है वो जिस प्रकार से चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। दूसरा एक है कि
अदर देन प्रैक्टिस, अदर देन कल्टीवेशन, अदर देन इंडस्ट्री, कई ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ आयुर्वेद के या आयुष को जानने वाले जानकार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उसके ग्रेजुएट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंश्योरेंस ने आयुष सेक्टर के लिए खोल दिए अपने दरवाजे। अभी आयुर्वेद जो चिकित्सक है वो जो कुछ भी अपने अस्पताल में ट्रीटमेंट करता है, इंश्योरेंस उसके लिए लागू है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम वेरीफाई करती है उसके लिए एक आयुर्वेद का तज्ञ वहाँ लगता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये यहाँ तक सीमित नहीं रहा, ये बहुत बड़ा बनते जा रहा है। कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है, जैसे मेडिकल टूरिज्म ये एक क्षेत्र है, समझ लीजिए। हम जानते हैं कि केरल में वो बहुत है, जिस प्रकार की आबोहवा, जिस प्रकार की संसाधन, जिस प्रकार की संरचना नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर ये क्यों नहीं बन सकता? बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जो वनौषधि जो है या यहाँ पे जो नेचुरोपैथी जो भी है, बहुत सारे लोगों को ये सब मालूम नहीं था। आज के डेट में आयुष फॉर्म होने के बाद हमने देखा है कि आज यहाँ पे ये बहुत सारा इसमें आप लोग का डिपार्टमेंट का हो, सरकार का ही हो, योगदान रहा है कि इनमें ये सब चीज़ों को लोगों के बीच लेके लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि लोग अगर इसमें जागरूक नहीं होंगे, लोग इसको अगर जानेंगे नहीं, सिर्फ जो पढ़ेंगे या जो डिग्रियाँ लेंगे उनको ही मालूम होगा, तो इसका विकास नहीं हो सकता। तो लोगों में जागरूकता के लिए, आयुर्वेद के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या क्या आप लोग कदम उठा रहे हैं अभी? मैं तो सर्वप्रथम जागरूकता पैदा करने के लिए हालांकि ये सब हमारे बहुत पुराने तत्व हैं, नहीं, फिर भी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिस प्रकार उन्होंने ये कोविड काल में आयुष सेक्टर के प्रति अवेयरनेस पैदा किया, मुझे नहीं लगता पिछले 2000 साल में किसी ने किया होगा। दूसरे व्यक्ति है वो जिनका हम नाम ले सकते हैं, रामदेव बाबा जैसे जो है, श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, इन लोगों ने भी आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस निर्माण करना शुरू किया है। कई बार हम देखते हैं कि सभी काम सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, समाज से उसके लिए जो इनपुट आना चाहिए, तो आज हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर बहुत सारा अवेयरनेस इसमें धीरे धीरे आने लगा है। आज आप कोई भी पेपर खोल के देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ रहता है, आयुष के बारे में लिखा रहता है। आज मैगजीन्स देखिए, उसमें जिस प्रकार से जानकारी आते रहती है, तो यह जो है वो धीरे धीरे समाज में फैलता जा रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो उसको एकदम से जो बढ़ावा मिला वो कोविड काल में, जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, था, रहेगा, और उसका जो प्रभाव है काफ़ी सालों तक रहेगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बारे में आपने बोला है और यहाँ के जो नई पीढ़ियाँ हैं इन्हें जहाँ पे मेडिकल साइंस इनको आकर्षित करता है, जहाँ पे एलोपैथी, बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हाँ ये भी हमने देखा है कि आयुर्वेद में, यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक जो मेडिकल साइंस है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ये लोग, होम्योपैथी में भी बहुत हैं। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि हम कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन करियर प्रोस्पेक्टिव्स जो भी है यहाँ पे, जैसे कि नौकरी मिलना हो सरकारी चिकित्सालय में, हाल ही में एक आध ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किए थे, उनके बहुत ही आपत्तियाँ हमको सुनने के लिए मिला था कि इनको जो कहीं ना कहीं एक भेदभाव की धारा है जो तोड़ना बहुत ज़रूरी है, एलोपैथी के साथ, होम्योपैथी एलोपैथी के साथ, आयुर्वेदिक और यूनानी ये सब तो है ही, अभी आयुष इसलिए फॉर्म किया गया है, इनको वो उनके मन से जो डर है अभी कहीं ना कहीं एक भेदभाव की आसरण हमको देखने के लिए मिलता है, उसको निरसन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका मूल कारण ऐसा है कि हमारा जो विद्यार्थी है उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आप जिस प्रकार बोल रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आत्मविश्वास बढ़े इसके लिए हम लोग शिक्षा में कुछ परिवर्तन जिस प्रकार से ला रहे हैं, कि जैसे प्रथम वर्ष में वो विद्यार्थी जब आता है आयुर्वेद कॉलेज में तो वो 12वीं साइंस के बैकग्राउंड से आता है। अब 12वीं साइंस का विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं कहाँ आया ऐसा उसे लगता नहीं, वो BSc करने गया फिर भी उसे लगता नहीं, वो मेडिकल में गया तो भी उसे लगता नहीं, लेकिन वो जब आयुर्वेद कॉलेज में आता है उसको लगता है कि मैं कहाँ आया हूँ। तो इसलिए हमने एक इनिशिएशन प्रोग्राम का 15 दिन के पिछले साल से ही आयोजन करना शुरू किया है, कि पहले 15 दिन उस विद्यार्थी को हम आयुष के बारे में जानकारी देते हैं,
उसके अन्य अन्य विधाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो वंस ए पर्सन इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, उसको ठीक से जानकारी होती है, तो उसका जो परिणाम है आगे, जैसे आयुर्वेद में रिसर्च होना चाहिए ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूँ कि अश्वगंधा को ले लीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए, 10-12 हज़ार रिसर्च पेपर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तुलसी के ऊपर है, आप कोई भी अच्छी वनस्पति ले लीजिए, उसके बारे में 10-15 हज़ार रिसर्च पेपर से कम है ही नहीं कहीं पर। अब ये जो जानकारी है विद्यार्थी के पास यदि पहुंचती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जागरूकता और एक जागरूकता और मान्यता। हाँ, तो इसलिए हमने इनिशिएशन प्रोग्राम जो है 15 दिन का, जैसे ही वो एंटर करता है, एडमिशन होती है, पहले 15 दिन तो हम यहीं उसको समझाते हैं कि ये है क्या, आप आए कहाँ, इसका आधार क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके आगे आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, तो और आगे फिर उसका जो शिक्षा है वो चलने लगती है। दूसरा उसमें भाग ये किया है कि उसको स्किल आने चाहिए कुछ, क्योंकि जब वैद्य है या डॉक्टर है वो तो आखिर रुग्ण को देखता है, पेशेंट को देखता है, कुछ स्किल आनी चाहिए। वो स्किल के ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा अभी एम्फोसिस देना शुरू किए हैं, कि पहले कैसा रहता था कि क्लास में आए और शिक्षक पढ़ाए और गया, फिर कुछ देर उसने पेशेंट देखे, प्रैक्टिकल हुए। अभी जो नई रचना बन रही है उसमें ये है कि जिसको डायडेक्टिक टीचिंग बोलते हैं, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ने सिर्फ पेशेंट देखना नहीं है, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, जैसे ओपन बुक टेस्ट है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ पर वनवासी बंधु हमारे बहुत ज़्यादा है, कोई जाके उसका स्टडी सर्वे करके आए, ये सब एक्टिविटीज़ उसके एजुकेशन में आएगी, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। तो इसका जो प्रपोर्शन है क्लासरूम टीचिंग का और प्रैक्टिकल का, ये हमने 1:2 किया है, यानी 1 घंटा यदि वो पढ़ेगा तो 2 घंटे उसके वो किसी न किसी प्रकार से प्रैक्टिकल, यानी सिर्फ लैब में नहीं, कहीं बाहर जाएगा, कहीं और कुछ करेगा, छोटा प्रोजेक्ट करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, कुछ न कुछ करेगा, इस प्रकार की रचना की गई। दूसरा, ये जो विद्यार्थी यही आधुनिक विज्ञान के पढ़ के आता है बराबर, तो हमने एजुकेशन यानी सिलेबस के अभी 2 हिस्से किए हैं, एक को बोला है इलेक्टिव्स और दूसरे को बोला है मेन कोर्स। मेन कोर्स में तो वो जो कॉलेज में पढ़ेगा वो है, उसके अलावा जितने भी आधुनिक विषय, यदि उसको ऐसा लगता है कि मुझे रोबोटिक सर्जरी के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट कोर्स रखा है हम लोगों ने ऑनलाइन, वो पढ़ेगा, उसकी रचना अभी बन रही है, पढ़ने के बाद में उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो कोर्स पूरा करने के बाद में, और वो एक सर्टिफिकेट जिसके पास जनरेट होगा उससे संबंधित प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में उसको 10 मार्क मिलेंगे, क्योंकि जब तक हम ये वेटेज के सिस्टम में देखें तो वो क्यों पढ़ेगा, है ना। तो ये सब अभी अगले साल से, यानी आने वाले साल से लागू हो जाएगा, और उसके कारण मुझे लगता है आने वाले 5 साल में इसका जो चेंज है वो अपने को देखने को मिलेगा, एक नया छवि हम सबको, नया छवि हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये समय दिया, और आप काफ़ी व्यस्त हैं, आपको वापस भी जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।